हेलो फ्रेंड्स, रवि मोटर गैरेज चैनल पे आपका फिर से स्वागत है एक नया वीडियो में। तो आज मेरे पास एक पल्सर 220 बाइक आया है। ओके, तो इस बाइक में सेल्फ रिलेटेड प्रॉब्लम आया है, आपको दिखाता हूँ इसका प्रॉब्लम क्या है। तो पहले बता देता हूँ, इसका जो ओनर है ये एक इस प्रॉब्लम के लिए इसमें सेल्फ नहीं हो रहा था, इसका प्रॉब्लम आपको बता देता हूँ। एक बार दो बार सेल्फ ले रहा है और उसके बाद सेल्फ नहीं ले रहे। ओके, बैटरी नया है, आप देख सकते हैं नया बैटरी लगा है रिसेंटली। तो आप लोगों को इसका प्रॉब्लम दिखाता हूँ, इसकी मैं एक्चुअली प्रॉब्लम ये देखो, चाबी ऑन किया और सेल्फ देखिए, ये देखिए इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। कभी कभी सेल्फ ले रहा है, ओके, अच्छी तरह से सेल्फ ले रहा है और बाइक को बंद करके 5 या 10 मिनट बाद सेल्फ देने से नहीं ले रहा है। ओके, अब देखिए, तो मैं कुछ देर पहले सेल्फ 2-3 बार सेल्फ इसको दिया था, तो सेल्फ अच्छी तरह से इसका काम किया, मगर अब इसका जो सेल्फ आप देख सकते हैं सेल्फ दबाने से काम नहीं कर रहे। ओके, अच्छी तरह से देखिए, ये देखिए, तो इस कंडीशन में आपको बता देता हूँ, पहले आपको फर्स्ट क्या चेक करना पड़ेगा। अभी देखिए स्टार्ट नहीं ले रहा है और इसमें होल्ड भी आपको चेक करूंगा, सिंपली 20 में सेट कर दूंगा। और यहाँ पे देखिए, तो देखिए बैटरी होल्ड भी सही है। ओके, और सेल्फ मारने से देखिए, देखिए तो इसका होल्ड सही है, 2-3 बार इसमें सेल्फ डालने के बाद ऐसा हुआ है। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम फाइंड करने के लिए पहले क्या करेंगे, इसका जो रेगुलेटर है वो हम चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब इसको मैं सेल्फ दे रहा था तब यहाँ से जो चार्जिंग के सिग्नल का लाइट है वो चला जा रहा था। ओके, जब नहीं जाएगा तब अब आपको समझना होगा कि रेगुलेटर प्रॉब्लम है। तो रेगुलेटर इसका प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब मैं इसको सेल्फ एक बार डाला था तो ये चला गया था। ये चला जाने का आपका ये चला जाने से आपको समझना होगा कि बैटरी का जो अपना रेगुलेटर चार्जिंग सिस्टम वो चार्ज दे रहा है। अभी तो बाइक को मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा, तो इसका प्रॉब्लम बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा ही प्रॉब्लम है, मगर इसको पकड़ना आसान नहीं है। तो चलिए, हम पहले मेरे को एक डाउट हो रहा है कि यहाँ पे देखिए यहाँ का जो रिले है, देख सकते हैं ये रिले में जंग पड़ गया है। हम देख सकते हैं ये रिले, दो रिले यहाँ से कनेक्शन नहीं जाएगा तो सेल्फ में प्रॉब्लम कर सकता है। तो हम पहले इसको खोल के देखते हैं इसका कंडीशन क्या है। तो 10 mm में एक पना लगेगा रेंच, पहले इसको खोलो, देख सकते हैं ये वाला कितना क्लीन है। तो शायद यहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है, हम एक एक करके चेक करेंगे, यहाँ से चेक क्लियर हो जाए तो सही, ठीक है, तो ये भी वीडियो खत्म हो जाएगा। तो देखिए, मैं इसको खोला तो इसमें जो बहुत ज्यादा रस्ट जम गया है, तो ये भी क्लीन कर लेंगे, इसके बाद चेक करेंगे। तो सब क्लीन कर लो। तो दोस्तों, मैंने फाइनली इसको अच्छी तरह से सीरीज पेपर से क्लीन करके लगा दिया। ओके, तो चलिए अब इसको सेल्फ हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका जो प्रॉब्लम इसमें था जो मैंने सीरीज पेपर से क्लीन कर दिया, तो यही से इसका जो वोल्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए सेल्फ में कभी कभी ले रहे थे कभी कभी नहीं ले रहे थे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।